सत्यमेव जयते। चलिए आइए कुछ कुछ संस को देखते हैं। जैसे आज हमने लिया है प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान, कहने का मतलब ये हुआ जैसे अपने देश के बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो अपने कार्यों से संबंधित थे, ठीक है। अब आज हम देखेंगे उनके प्रमुख स्थान से, जैसे जितने भी व्यक्ति हुआ करते हैं उनका कोई ना कोई स्थान होता है और वो फेमस होता है, तो आइए देखते हैं। जैसे आज जो है ये है, जैसे कोर्सिका, कोर्सिका जो स्थान है, ठीक है, ये इस तरफ स्थान लिया गया है और इस तरफ व्यक्ति का नाम लिया गया है, ठीक है। कोर्सिका जो है वो नेपोलियन से है, किससे है, कोर्सिका का संबंध नेपोलियन से है। उसके बाद जेरूसलम ईसा मसीह से है, जेरूसलम किससे है, तो ईसा मसीह से है। फिर है कपिल वस्तु, तो गौतम बुद्ध से है, कपिल वस्तु किससे है, गौतम बुद्ध से है। लुम्बिनी भी गौतम बुद्ध से ही है, लुम्बिनी किससे है, तो गौतम बुद्ध से है। लुम्बिनी किससे है दोस्तों, गौतम बुद्ध से है। अब है मेसिडोनिया, ये सिकंदर महान से है, मेसिडोनिया किससे है, तो सिकंदर महान से है। मक्का मोहम्मद साहब से है, मक्का किससे संबंधित है, तो मोहम्मद साहब से है। ट्रेफलगर नेंसल से है, ट्रेफलगर किससे है, नेंसल से है। वाटरलू नेपोलियन से है, वाटरलू किससे है, नेपोलियन से। उसके बाद जालियांवाला बाग जनरल डायर से है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो जनरल डायर से है। कहता है पोरबंदर महात्मा गांधी से है, पोरबंदर कहाँ से है, महात्मा गांधी से। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से है। बारदोली सरदार पटेल से है। चित्तौड़ महाराणा प्रताप से है। फतेहपुर सिकरी अकबर महान से है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप से है। उसके बाद पुदुचेरी अरविंद घोष से है, पुदुचेरी किससे है, अरविंद घोष से है। उसके बाद साबरमती महात्मा गांधी से है। उसके बाद बेलूर है रामकृष्ण परमहंस से है। मकदुनिया सिकंदर महान से है। पवनार विनोबा भावे से है। उसका शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर से है। श्रीरंगपट्टनम टिप्पू सुल्तान से है। फिर है तालबंडी गुरु नानक से है। कुंडग्राम महावीर से है। फिर सेवाग्राम महात्मा गांधी से है, सेवाग्राम किससे है, महात्मा गांधी से है। जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। पावापुरी महावीर से है। कटक सुभाष चंद्र बोस से है। कुशीनगर गौतम बुद्ध से है। त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू से है, त्रिमूर्ति भवन किससे है, तो जवाहरलाल नेहरू से है। तो ये हमने 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, दो तीन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको ध्यान में रखने हैं। अब कल जो हम बायो का सीरीज चला रहे थे उसमें 9 तक करवाए थे और फिर आज 4-5 हमने क्वेश्चन लिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं उसके बारे में। ये यहाँ तक आपका 30 प्रमुख व्यक्ति से संबंधित नाम थे जो हर बार एग्जाम्स में क्या करते पूछते हैं, तो ऐसे तो आपको याद होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, जैसे 5-5 का सीरीज लगा लेंगे, ये 5 है, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, ये 20 हो गया, फिर ये 25 हो गया, फिर यहाँ पे 30, ख़त्म। 5-5 करके ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। कहता है स्त्री के गर्भाशय का भार, स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान जन्म न दिया हो उसका कितना होता है, तो 50 ग्राम होता है, कितना होता है, 50 ग्राम होता है। तथा संतान जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार कितना हो जाता है, तो 100 ग्राम हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ ऐसा स्त्री जो कभी संतान को जन्म नहीं दिया हो उसके गर्भाशय का जो भार होता है वो 50 ग्राम होता है, कितना होता है, 50 ग्राम होता है। तथा जिसने कभी बच्चे को जन्म दिया उस स्त्री के गर्भाशय का भार लगभग कितना होता है, तो 100 ग्राम होता है, कितना होता है, 100 ग्राम। अब जानते हैं गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है, गुर्दे का भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है। एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग 500 मिलीलीटर हवा क्या करता है, अंदर लेता है, मतलब एक वयस्क नागरिक जो सांस अंदर लेता है उसे 500 मिलीलीटर हवा क्या करता है, वो अंदर लेता है। अब कहता है हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 यानी 4.5 लीटर, 4.5 कहने का मतलब 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है, मतलब एक मिनट में 4.5 लीटर वो क्या करता है, रक्त हृदय पंप कर देता है, मतलब एक सामान्य व्यक्ति का जो हृदय होता है वो 4.5 लीटर रक्त एक मिनट में क्या करता है, पंप करने का काम करता है। कहता है छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7 मीटर होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 7 मीटर होती है।
तथा उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है? 2.5 सेंटीमीटर। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण करने में लगभग 23 सेकेंड का समय लगता है। अब कहता है पूरे शरीर में रक्त को परिभ्रमण करने में, मतलब रक्त का संचारण होने में 23 सेकेंड का समय लगता है। होल बॉडी में, होल बॉडी में आपके शरीर, मतलब शरीर जो होता है उसके होल बॉडी में, कोई भी शरीर जो होल बॉडी में रक्त परिभ्रमण करता है उसमें समय कितना लगता है? तो 23 सेकेंड का समय लगता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हर बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू।